नमस्कार। क्या बलूचिस्तान आज़ादी के समय भारत का हिस्सा बनना चाहता था? ऑल इंडिया रेडियो ने जो अनाउंसमेंट आज़ादी के कुछ समय बाद करी थी, उसको लेकर भारत और पाकिस्तान में इतना बड़ा हंगामा क्यों हुआ? बलूचिस्तान की सबसे बड़ी रियासत कलत भारत का हिस्सा बनती तो सोचे कि भारत के लिए वो कितना बड़ा फैसला होता। बलूचिस्तान के भारत से मिलने की आशंका और फिर पाकिस्तान से मजबूरी में मिलने की कहानी मैं आपका होस्ट अंकित आज इंडिया नाउ एंड हाउ के इस एपिसोड में आपको सुनाऊंगा। कलत, मकरान, ग्वादर और क्वेटा जैसे राज्य 1876 में मिलकर बने थे बलूचिस्तान एजेंसीज। आज़ादी के टाइम ये एरिया था मीर अहमद यार खान के अंडर, जिनको खान टाइटल से भी संबोधित किया जाता था। कहते हैं कि जिन्ना और मुस्लिम लीग से इनके मतभेद थे और आज़ादी के टाइम पर वो आज़ाद ही रहना चाहते थे। 29 जून 1947 को कलत और बाकी बलूचिस्तान इलाकों में एक रेफरेंडम यानी पब्लिक वोटिंग कराई गई, पर खान और बलूचिस्तान मुस्लिम लीग ने इस रेफरेंडम को मानने से साफ इनकार कर दिया। उनको यकीन था कि इस रेफरेंडम में धांधली हुई है और जेन्युइननेस ना होने के कारण पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। 10 महीने निकल गए और कश्मीर पाकिस्तान वॉर जो बाद में बनी थी इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1947, वो दोनों होकर भी चली गई, पर कलत पर कोई खास फैसला नहीं हुआ। और फिर आया 27 मार्च 1948, जब ऑल इंडिया रेडियो ने मानो एक बॉम्ब सा गिरा दिया। उन्होंने ये अनाउंस किया कि खान ने भारत को एक चिट्ठी लिखी है कि वो उनके साथ मिलना चाहते हैं। पूरा देश और पाकिस्तानी सरकार ये सुनकर दंग रह गए। कुछ लोगों ने बाद में ये भी कहा कि नेहरू जी ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया था कि भारत से वो दूर हैं तो कोई लॉजिक नहीं है उनका हमारे साथ मिलने का। हालांकि देखा जाए तो ईस्ट पाकिस्तान भी वेस्ट पाकिस्तान से 2000 किलोमीटर दूर था, पर अब इस लॉजिक का हम क्या करें। AIR की इस अनाउंसमेंट की बात करें तो कहा जाता है कि रातों रात उसके बाद पाकिस्तान ने हर तरह से साम दाम दंड भेद से अपने आप को सेफ करने की कोशिश करी। उन्होंने खान पर दबाव डाला कि वो उनसे मिल जाए, और खान दबाव में आ गए और वो पाकिस्तान से अगले ही दिन मिल गए। अब सच क्या है क्या नहीं ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से बलोच शुरू से ही पाकिस्तान से आज़ादी मांग रहे हैं, उससे यही कहा जा सकता है कि ऑल इंडिया रेडियो की वो अनाउंसमेंट शायद सच्ची थी। अगर कलत भारत का हिस्सा बन जाता तो हमें कितना फ़ायदा होता, हम अपने दोनों हिस्सों से पाकिस्तान पर दबाव बना पाते और कहीं ज़्यादा शांति हम दे पाते अपने बलोच भाइयों और बहनों को। जो हम कलत के साथ नहीं कर पाए वो हम गुरदासपुर के साथ कर गए थे। गुरदासपुर जो एक खंजर की तरह मैप में दिखता है, वो भारत का हिस्सा बना। लेकिन अगर नहीं बन पाता तो वही खंजर आज भारत के लिए एक बहुत बड़ा जख्म देके जाता। गुरदासपुर के बचने की दिलचस्प कहानी इंडिया नाउ एंड हाउ के अगले एपिसोड में।